से लिपटे पैरों का खामोश सफर, ये है इस बूढ़े भव्य आदमी की पहचान, जिसकी सांसों में समूचा युग सांस लेता है। ये आदमी जिसके पैर इस देश का चप्पा चप्पा छानाए हैं, जिसके पैर दूर दूर के गांव जनपदों की पगडंडियों की धूल और मिट्टी में सने हैं, लेकिन आत्मा किसी शिशु की तरह निर्मल है। समय इसे देवेंद्र सत्यार्थी के नाम से जानता है। देवेंद्र सत्यार्थी जो एक फकीर भी है, दरवेश भी और कालजयी लेखक भी। लोक गीतों की तलाश को इसने अपनी जिंदगी का मकसद बना डाला तो लोक गीतों का अर्थ सिर्फ लोकगीत ही नहीं रह गया था। असल में तो ये, जैसा कि महात्मा गांधी ने भी माना, लोक गीतों के जरिए भारत की संस्कृति और आत्मा का साक्षात्कार था, यानी एक नए ढंग से डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देवेंद्र सत्यार्थी एक से एक बीहड़ अनुभवों वाले महाकाय व्यक्तित्व हैं। उनकी खानाबदोशी के खामोश सफर और फकीरी के बेशुमार किस्से हैं। लोक गीतों के लिए भिखारी होने में उन्हें शर्म नहीं आई। शादी के बाद घर से भागने लगे तो पत्नी भी साथ चल पड़ी। उसका कहना था, अगर आप राजा हैं तो मैं रानी, अच्छा अगर आप फकीर हैं तो मैं फकीर नहीं। हालत ये कि जेब में चार पैसे भी नहीं हैं और बीवी तथा बेटी को संग लिए हिंदुस्तान के दूर दूर के कोनों में भटक रहे हैं। इसी फाका मस्ती में करीब करीब खाली जेब लंका और बर्मा तक की खाक छान आए। जहां शाम हुई वहीं किसी खेत में किसी पेड़ के नीचे टिक गए और अगले दिन फिर वही यात्रा अनहद की, जैसे कोई पुकारती हुई पुकार उन्हें बुला रही हो। अपनी इस लोक यात्रा में इस खानाबदोश ने ना किसी संस्था का मुंह जोहने की जरूरत समझी और ना किसी बनी बनाई लीक पर चलना उसे भाया। बस जिधर पैर चले चल दिए। कुछ मित्र शुभचिंतक राह में मिलते गए, राहें आसान होती गईं, मगर फकीरी और फाका मस्ती ने साथ नहीं छोड़ा और ना मुश्किलों ने। बीच बीच में कभी अखबार बेचकर गुजारा करना पड़ा, कभी छापा खाने में प्रूफ रीडिंग करके, कभी किसी फैक्ट्री में मजदूरी की, तो कभी लोहे की भारी भारी चद्दरें ढोने का काम भी किया। लेकिन इरादे बड़े हों तो जीवनी शक्ति खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। यही वजह है, जैसा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा, देवेंद्र सत्यार्थी के रथ का पहिया किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह लगातार सारे भारत की परिक्रमा करता रहा। कभी कभी सत्यार्थी रुककर 80 बरस पहले के इतिहास में झांकते हैं तो समय जैसे ठहर जाता है। और आसमान के तौर तरीके को देखते हुए मेरा नाम युधिष्ठिर रखा गया, लेकिन चूंकि मैं 7 साल के बाद पैदा हुआ था तो गली मोहल्ले वाले देव देव कहते थे, लेकिन मेरा नाम देव बताया मौलवी फरखंदा जाफर को, मेरे पिताजी ने बताया करते थे। तो वो मौलवी साहब कहने लग गए कि लाला जी आप क्या पागल हो गए हैं, इतना खूबसूरत लड़का है और ये देव पढ़ा जाएगा जिसका मतलब है राक्षस, अगर कहें तो मैं इंद्र लगा दूं। बचपन में नाम युधिष्ठिर, फिर देव इंद्र बत्ता और बाद में हम सबका सुना हुआ नाम देवेंद्र सत्यार्थी। 28 मई सन 1908 को जन्मा ये शख्स कुछ अजीब ही था। शुरू से पैरों में चक्कर,
पढ़ाई से मन दूर भागता था। ऐसा है कि वो घर में बोलते तो पंजाबी थे, लेकिन स्कूल में ये उर्दू का चक्कर चला हुआ था, और जो दूसरे देहात से आते थे लड़के पढ़ने के लिए, वो पंजाब के लोकगीत सुनाते थे, तो उसमें मुझे मज़ा आता था, पढ़ाई के मुकाबले में भी। प्रकृति में इतने रंग, इतनी छवियां, इतना किल्लोल, इतना विस्तार है, पहले पहल ये लोकगीतों की कल्पना में देखा, फिर गीतांजलि में। गीतांजलि का अनुवाद उर्दू में पटियाला में आर्य समाज के जलसे पर पिताजी मुझे भी साथ ले गए, वहाँ उन्होंने मेरे कहने पर वो गीतांजलि खरीद दी। मैं गीतांजलि के वो उर्दू में अनुवाद पढ़ पढ़ के मुझे लगा कि ये हमारे पंजाबी गीत जो मैं सुनता रहा हूँ, ये क्या कम है, इन पर नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। लट खुली नी पंजाब ने तेरी, लट खुली नी पंजाब ने तेरी, बदला चो काटिया गई निबदला चो काटिया गई, लट खुली नी पंजाब देवेंद्र सत्यार्थी को डीएवी कॉलेज लाहौर की दीवारें 1.5 साल से ज्यादा कैद करके नहीं रख सकी। चांद सूरज के बीरन का ये नायक आखिर पढ़ाई को अलविदा कहकर सड़क पर आ गया। गोरकी की तरह आसपास का खुला जीवन उनका विश्वविद्यालय बन गया। मैं मोगा में हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे घर वालों ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि हॉस्टल में रह रहा है वहाँ हलवाई की दुकान पर दूध के पैसे पहले ही जमा करा देते थे, तो मैंने कई महीने तक दूध पीना बंद करके हरिद्वार में जाने आने का खर्चा तैयार कर लिया। और वहाँ हमारे पिताजी भी आए हुए थे, दूर से हमने देखा तो दूर दूर से बचना बड़ा मुश्किल हो गया। खैर, लोकगीतों तक में नाम आ गया था, और वहां उन्होंने ये एक घटना मैंने देखी। उन्होंने कहा, गुरुकुल कांगड़ी के लिए मैं कहता हूं कि पंजाब की ये स्त्रियां जिसके पास सोने की 2 अंगूठियां हैं, अभी दान मान लेने वाले आएंगे 1 अंगूठी डाल दे, अगर किसी के 2 चूड़ियां हैं सोने की तो 1 चूड़ी डाल दे। तो वो तोला गया। फिर उन्होंने कहा, मैंने गलती की, अरे इतनी दानवीर धरती की नारियां, मैं अब कहता हूं अब फिर भेज रहे हैं दूसरी चूड़ी दूसरी अंगूठी भी डाल दे। अच्छा, और वो तोला गया है ये भी तोलेगा अलग से, अगर जरा भी फर्क हुआ तो मैं कहूंगा क्या पंजाब की धरती है। तो पता नहीं क्या जादू था कि दूसरी बार जो तोला गया वो उतना ही सोना था जितना पहली बार। यही देवेंद्र सत्यार्थी होने के मानी समझ में आते हैं, और ये भी कि जो काम सैकड़ों विश्वविद्यालय और संस्थाएं मिलकर भी नहीं कर सकी, उसे कैसे एक अकेले आदमी ने सिर्फ अपनी लगन के बूते कर दिखाया। कविता की भाषा में कहें तो देवेंद्र सत्यार्थी आधी रात में महकने वाले बेला की तरह किसी लोक कथा का कभी पकड़ में ना आने वाला अनबूझा नायक है। जिंदगी जिसने लोक गीतों का पीछा करते भटकते बिता दी। La
राजा बनके कैसी धुन थी इस पावले आदमी की कि सारा देश ही इसका घर बन गया। महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी में लिखा था, किसी खेत की मेड़ पर बैठे तुम किसी लोकगीत के चार बोल लिख रहे होगे, या किसी गांव की कच्ची पगडंडी पर चले जा रहे होगे। मेह हो चाहे धूप चाहे आंधी, ऐसी कल्पना मैंने कई बार की है। आपकी लोकगीत यात्रा को महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला जी। उन्होंने लोकगीतों की खोज को भारत की आत्मा की खोज कहा। गांधी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? कलकत्ते में, ये सन 1934 की बात है। तो सुबह सुबह जहां वो ठहरे हुए थे वहां उनकी प्रार्थना सुबह ही होनी थी, तो बनारसीदास जी से बहुत ताल्लुक था उनका, तो वो हमें भी ले गए। तो अपने चपरासी को मेरे साथ कर दिया। मैं किसी वकील के पास ठहरा हुआ था, तो उस जमाने में मैला कपड़ा देखकर या दाढ़ी मूछ देखकर समझते थे कहीं रेवोल्यूशनरी ना हो। तो मैंने अपनी एक चादर लेकर चपरासी को भी साथ तक कि कहीं नींद ना आ जाए और वहां पहुंच जाए। तो आगे आगे गांधी जी उतर रहे थे प्रार्थना के बाद, और बनारसी दास जी ने कहा, बापू मैं आपके खिलाफ भी कभी कभी लिखता रहता हूं। उन्होंने चेहरा ऊपर करके कहा, कोई सुनता भी है? तो फिर मैंने उनके साथ पत्र व्यवहार किया रावलपिंडी से। तो उन्होंने सबसे पहला नोटिस तो ये लिया कि के.एम. मुंशी की किताब गुजरात एंड इट्स लिटरेचर, उसमें यानी 700-800 पन्ने की किताब, ये इतनी मोटी किताब और 125 पेज का उसमें फॉरवर्ड बाय महात्मा गांधी, उसमें उन्होंने जिक्र किया। सन 36 के दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ महाराष्ट्र में, तो काका साहब कालेलकर लाहौर आए बापू का वो संदेश देने के लिए कि वहाँ ज़रूर आना है। तो वहाँ उन्होंने कहा, वर्धा चलो मेरे साथ। मैंने कहा, जी आप चलिए बंबई मेरे साथ। कहने लगे, मैं बंबई में क्या करूँगा? मैंने कहा, जी मैंने वर्धा में क्या करना, मैं कोई कांग्रेस का मेंबर भी नहीं हूँ, जेल में भी जाने का शौक नहीं है, तो बंबई में कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा, बापू आपसे मिलने से पहले भी मैं ठहरता ही रहा हूँ, मैं तो फुटपाथ पर भी रह सकता हूँ। तो उन्होंने महादेव देसाई को कहा, बुलाओ मुंशी को। अब मुझे मालूम नहीं था किस मुंशी को बुलाना है, तो के.एम. मुंशी आए। हम लोग तो नीचे ही बैठे थे फर्श पर, वो खड़े हुए। तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारी पत्नी लीलावती नहीं आई है तुम्हारे साथ, उसको बोल देना तुम्हारे मकान में एक कमरा वो बंद रखती है सारा साल मेरे लिए, ये इस दाढ़ी वाले के लिए खोल दे। और इसे ये ना पूछना कितने दिन ठहरोगे, जब इसका काम खत्म हो जाएगा चला जाएगा। और अंतिम मुलाकात हुई 29 जनवरी 1948 को, यानी गांधी जी की शहादत से सिर्फ एक दिन पहले। गांधी जी धरती गाती है की भूमिका लिखने वाले थे। अंतिम उनसे भेंट, यानी वो जिस तारीख को गोली लगी है उससे पहली तारीख को विष्णु प्रभाकर मेरे साथ थे, और मैं प्रार्थना सभा के बाद उस कमरे तक गया। विष्णु जी ने खुद लिखा है कि मैं भी साथ साथ। तो इन्होंने कहा कि बापू आपने मेरी धरती गाती है कि भूमिका तो लिखी नहीं,
और अब सुना है कि आप वर्धा जा रहे हैं सेवाग्राम। तो उन्होंने कहा, कौन गांधी जा रहा है वर्धा? क्या वो मरने के लिए जा रहा है? क्या लौट के नहीं आएगा? कह दो प्यारे लाल से, तुम्हारी पांडुलिपि रख दे गांव का। अरे 20 साल जिस काम में लगाए हैं, क्या मुझे 20 दिन भी नहीं दोगे इतनी जल्दी? अगले दिन उनके गोली लग गई। तो शे, अब तो वो हमारे साथ ही लाठी लेकर चल रहे हो, हमारी भी वो हालत हो जाएगी। अब कुछ पता नहीं उनका आशीर्वाद काम करेगा और करेगा गुरुदेव का। सुना है गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी आपके लोकगीत यात्रा में बड़ा योगदान दिया और उनको बहुत प्रिय था। शांति निकेतन के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहते थे। तो टैगोर से पहली मुलाकात कब हुई, इस बारे में कुछ बताएं। गुरुदेव से भी सन 1934 में ही मैं शांति निकेतन, दर्शन तो उनके पहले भी जाकर किए। ये मैं शादी से 2 साल पहले, मेरी 1929 में शादी हुई, तो मैं कॉलेज में सेकंड ईयर का ही स्टूडेंट था। तो मैं भाग निकला, तो वो कोई परिचय नहीं, जैसे कोई यात्री आकर मिल लेता है। तो हमने उनसे कहा कि मैं लोकगीत, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बचपन में लोकगीत, पल्ली संगीत, पल्ली गीत कहते हैं बंगाल में, पाली भाषा, वो पल्ली गांव के लिए है। तो मुझे लेकिन एक वचन दो कि तुम इस काम को छोड़ोगे नहीं। मैं तो छोड़ चुका हूँ, और तुम्हारी मातृभाषा पंजाबी है, सारे भारत सब भाषाओं में इकट्ठे करो। वेरियर एल्विन और WG आर्चर जैसे लोक साहित्य की चोटी के विद्वानों ने देवेंद्र सत्यार्थी की लोक यात्राओं के बारे में लिखा। सत्यार्थी के लेख तब हंस, विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू आदि ख्यात पत्रिकाओं में छपने लगे थे। जो दिल्ली को लेकर के आपने लिखी है, ये अगर सुनाए तो आनंद आएगा। कद उजड़ी कद वसी दिल्ली, गल ना है इतिहास दी, 40 बूट हंडाल है दिल्ली बसदियां। वाह। कोट मेरे नू शर्म ना आवे दसदियां, दाढ़ी मेरी हसदी नाले सोचदी, शीश मेरिया शीश कविदिया होंदिया यारा, फा रेशम दा ला ना होया, किस्सा खानी बाजार विच पेशावर विच चली गई थी। तो इस तरह से ये जब कहानी, ऐसा लगता है कि कविता मैंने लिखी नहीं, कविता ने खुद ही अपने आप को लिख लिया। 50 साल से अधिक समय हुआ जब हंस का संपादन शिवदान सिंह चौहान करते थे, उसमें लगभग प्रति मास देवेंद्र सत्यार्थी जी के लेख लोक गीतों पर निकला करते थे। ये लोकगीत किसी एक ही प्रदेश के न थे, किसी एक ही जनपद के न थे, अनेक जनपदों के, अनेक प्रदेशों के लोकगीतों का संग्रह उन्होंने किया था। लेख लिखने का तरीका ये था कि मूल भाषा में पद उद्धृत करते थे और उसका हिंदी में अनुवाद भी दे देते थे। उस समय हंस में जितने लेख निकलते थे उनमें सबसे ज़्यादा याद मुझे इन्हीं लेखों की है। इसका कारण ये हो सकता है कि लोकगीतों से मुझे भी प्रेम था और अपने यहाँ के लोकगीत मैंने सुने थे और उन पर कहीं कुछ लिखा भी था। इसके सिवा ये प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन का ज़माना था और हम लोग ये कहते थे कि भाषा ऐसी होना चाहिए जो साधारण जनता की समझ में आ जाए, गीत ऐसे लिखना चाहिए जिन्हें जनता अपना ले। इसमें लोकगीतों का अध्ययन बहुत सहायक हो सकता था, इसलिए देवेंद्र सत्यार्थी जी लोकगीतों पर जो कुछ लिख रहे थे वो हमारे
प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के लिए बहुत ही लाभदायी था। सत्यार्थी ने हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीन तीन भाषाओं में लिखा। उनकी कहानियों, कविताओं और उपन्यासों ने साहित्य में एक नई लोकधारा को जन्म दिया। सत्यार्थी की कहानियों को मंटो, बेदी, कृष्ण चंदर और इस्मत चुगताई के साथ रखकर देखा गया। सच तो ये है, देवेंद्र सत्यार्थी की चर्चा किए बगैर उस दौर की चर्चा पूरी नहीं होती। लोक गीत तलाश करते करते अचानक ये क्या हुआ कि आप कहानियां लिखने लग गए? बात ये हुई कि लोक गीतों के बारे में जो लेख लिख रहा था, हाँ हाँ, उसमें वो जैसे कॉलेज में कोई पढ़ा रहा है ऐसे तो थे नहीं, हाँ हाँ, उसमें कहीं ना कहीं कहानी का अंश जुड़ जाता था, हाँ, अपने आप, हाँ हाँ। तो बाद में लंका यात्रा के दौरान कोलंबो से, हाँ हाँ, मैंने एक लेख लिखा, लंका देश है कोलंबो, हाँ लंका देश है, वो जब छपा तो लोगों ने कहा कि ये तो कहानी से भी, कहानियों की भी माँ है, हाँ, कहानियों का भी बाप है, हाँ, काफी चर्चा हुई। एक आर्टिकल मैंने और लिखा, मैं हूँ खाना बदोश, हाँ, तो वो लाहौर के एक मैगजीन में छपा, हुमायूं, हुमायूं। तो जब मैं वापस आया लाहौर में तो मुझे बीपीएल बेदी ने बताया कि भाई वो अदबे लतीफ निकलता है उसमें तुम्हारी एक रचना उद्धृत हुई है, हाँ। तो राजेंद्र सिंह बेदी डाकखाने में काम करता था, हाँ, मैं तो उसका वाकिफ नहीं था, हाँ, और वो उसको एडिट कर रहा था, अवैतनिक, हाँ हाँ, पैसे तो मिलते होंगे, हाँ, लेकिन अवैतनिक कहना पड़ता था, हाँ हाँ। तो मैं हूँ खाना बदोश पूरे का पूरा उसने उसमें गिरदो पेश यानी आसपास इधर उधर एक कालम, हाँ, बनाकर, हाँ, उसमें वो सारा मजमून छापा हुआ अदबे लतीफ में, हाँ। हाँ। तो मैं पता करके उससे मिला, राजेंद्र सिंह बेदी से, उन्होंने मुझे अपना मेहमान बना लिया। और जब शाम को हम घूमने जाया करें, हाँ हाँ, तो कोई भी बात मैं उनको सुनाऊं वो कहे ये तो कहानी है, हाँ, ये तो कहानी है, मैं लिखने बैठ जाऊं अगली सुबह, जिंदगी की कहानियां थी, हाँ, हाँ। मंटो को मैंने बंबई के पते पर एक खत लिखा था, हाँ, कि तुम्हारी कहानी खुशिया मुझे बहुत पसंद आई, हाँ हाँ, काश मैं तुम्हारी कहानी का खुशिया ही होता। ये मंटो ने आप पर एक कहानी लिखी थी और आपने जवाब में कहानी लिखी थी, ये क्या किस्सा है जरा इसके बारे में? ऐसा था कि मंटो कहानियां विषयों के बारे में भी बहुत लिखता था, लेकिन एक कहानी जो उसकी सबसे ज्यादा मशहूर हुई, नया कानून, हाँ, वो टांगे वाले की कहानी थी, हाँ हाँ। अब उसे पता चला कि वो दाढ़ी वाला बेदी का मेहमान बना बैठा, हाँ, और उसने एक कहानी इस तरह की लिखी, कन्वी, हाँ, की, हाँ, जो यहाँ दिल्ली के ही, हाँ, साकी एक मैगजीन था, हाँ, उसमें छपी, तरक्की, हाँ, पसंद, अच्छा। तो उसमें यही था कि एक आदमी है, हाँ, उसकी नई नई शादी हुई है, हाँ, और एक मेहमान आकर फंस गया, फंसा उसको, जब अपनी बीवी से भी नहीं मिलने देता। अच्छा, वो मेहमान आप थे? हाँ, मैं था, हाँ, हाँ, तो पुरुषार्थी या क्या नाम उसने रखा, हाँ हाँ, और वो रात को एक दिन वादा कर गया कि भाई मैं तो आज बहुत लेट से लेट आऊंगा, अपनी, हाँ, बीवी को भी कह गया, हाँ, मैं आराम से जरा सी दस्तक दूंगा और ये सो चुका होगा मेहमान, हाँ, और तू आराम से खोल देना, हाँ, फिर अपनी सुहागरात वापस आ जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन उसने कहानी का जो एंड किया है, हाँ, कि आराम से दस्तक हुई, हाँ, और आराम से दरवाजा खोल दिया गया और अंधेरा था, हाँ, और जब उसने यूं यूं किया हाथ, वो तो दाढ़ी। ऐसा शख्स दिल्ली में रहता है, क्या कोई यकीन करेगा? दिल्ली जहां माचिस की डिब्बियों पर डिब्बियों की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, दफ्तर
दुकानें, मकान, चमचमाते बोर्ड, खूबसूरत नेम प्लेटें, मगर घर कोई नहीं। ऐसे में सत्यार्थी से मिलना अजीब तरह का सुकून दे सकता है, और सत्यार्थी आपको दिल्ली की सड़कों पर कहीं भी मिल सकते हैं। असल में ऐसा हुआ कि गुरुदेव की गोद में जब मैंने अपनी बड़ी लड़की कविता को बिठाया और उसका नाम उन्होंने पूछा, तो बहुत गंभीर होकर कहने लगे, मैं अगर कविता ना लिखूं, तो मुझे कवि कौन कहेगा? लेकिन तुम्हें तो ऐसी कोई झंझट नहीं, तुम हो कविता के भावा। तो मैंने सोचा कि कवि ने, गुरुदेव ने व्यंग के द्वारा भी प्रेरणा दी है। तो पहली कविता मैंने दरअसल अपनी पत्नी के बारे में सुनाई। मेरी नाजो नार नहीं कोई हीर, न मैं हाँ रांझा, फिर भी साडा प्यार अते जीवन है सांझा, दुख सुख सांझा, इश्क चना विच दूर तीकना लम्मी तारी, काश असी भी ला सकते थे तागल वकड़ी पा सकते हे प्यारी, की बुल सचमुच हीर दे सन पो बहुते सोने कूले पतले, मेरी नाजो दे बुल्ला कोलो नहीं नहीं मैं मन नहीं सकता, मैं हाँ राही पैरी चक्कर अत लम्बिया वाटा दे सदे, नित मेरा दिल सुनदा ते सिर धुंदा, मेरी नाजो नार सदा तैयार चले जिधर मैं चलता, ना हसके ना रोके नैना विच नैन पे रोके, आखे मैं नहीं जाना मैं क्यों करें तिंगाना, मैं पुली ब्याह करा के वे मन पछो सा, भावे नक मेरी नाजो दा गुज पे डोला, गल चो छाके मुठदियां दी नक चौला, बाकी भी मुँह मत्था सारा मसा गुजारा, पर मेरा दिल खावे उस वल सदा हुलारा, काले लिटियाले वाला वल काले मदमाते नैना वल। इन्ना झूठ तो बोलना पैंदा है, कर रोटी ताई मिल सकती है। मेरा बेड़ा गर्क किया, मेरी बीवी तो कहती है तुम लिखना भूल गए, चाय की दुकान खोल लो, मैं कहता हूँ भाई मुझे चाय नहीं बनानी आती, वो कहती है चाय मैं सिखा देती हूँ, मैंने कहा तो फिर कहानी लिखना ही सीख लेता हूँ। वाह वाह। तो ये इस सिलसिले में एक कविता लिखी थी, अपना नाम देशकाल रखा उसमें आजकल की बजाय, देशकाल की वही पुरानी चाल सुनी सुनाई कहता रहता, काट काट के लिखता रहता, चेपी चेपी नई लिखावट कागज बन गया गत्ता, रचना तो अनुभव की बात, ना वेतन ना भत्ता, सूखी रोटी एक प्याज कनरस है अलबत्ता, शहरों में शहर कलकत्ता, वाह तो वो दिल्ली भी हो सकती, कलकत्ता भी हो सकता। सोच विचार अजमा